एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु रेश व्लॉग्स। सो आज देखिए, सुबह सुबह कितना प्यारा मौसम हुआ था। हम लोग उठे थे और आपको पता है ये 7 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा था कि सुबह का 6 बजा हो, 5:30, 6, मतलब एकदम अंधेरा अंधेरा सा और इतनी तेज़ बारिश, मतलब मज़ा ही आ गया, इतना प्यारा मौसम। फिर बस मैंने सब चाय वाय सबको दी, उसके बाद फिर मैंने आज घी निकालना था तो बस घी वाला काम किया। और काफ़ी लोग ना मुझसे पूछते हैं कि जब मैं घी निकालती हूँ तो मेरा बर्तन जलता है या नहीं, तो मैं बता दूँ मेरा बर्तन बिल्कुल भी नहीं जलता। जिस तरीके से मैं निकालती हूँ तो अच्छी खासी पनीर भी निकल जाती है ये देखिए, और घी भी अच्छा निकलता है। और ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूसली खड़े होकर चलाती रहती हूँ, मैं आप छोड़ के अपने काम भी करती रहती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करना है या कुछ थोड़ा बोरा है, और बिल्कुल भी मेरा बर्तन जलता नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कढ़ाई देखिए बिल्कुल साफ़ है। तो बस काफ़ी, और ये जो खोया निकलता है ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है चीनी डाल तो गाइस, सब्जियां आ चुकी हैं, भिंडी, टमाटर, ब्रेड, मक्खन, दही, हरी धनिया, दूध हो चुका है बॉईल और आज का मौसम है ये। सो गाइज़, मैंने सबसे पहले आज घी वाला काम कर लिया चाय वाय के बाद, और अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता सबके लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के सैंडविच, और जो पनीर निकला है ना तो वो थोड़ा सा इसमें मतलब भरता बनाने के बाद मिक्स कर दूँगी। तो बस आज हमारा नाश्ता होगा आलू के सैंडविच और चाय। गाइस, ये बन गई है मेरी सब्जी भिंडी की, और धूप भी निकल आई है ये देखिए। मैंने अब कपड़े भी डाल दिए बाहर और बस रूम की सफाई करके मैं जा रही हूँ शाल लेने। हाथ वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। चलो खेलो। सो गाइस, अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ रात को, और आज है संडे, तो संडे तो हम लोग थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए जाते ही हैं। तो ऋषभ आज शॉप पे चले गए थे काम करने, तो थोड़ा सा लेट आए हैं, तो बस हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, तो वही मैं रेडी हो रही थी और अब हम लोग निकलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को, शाम क्या रात हो गई है, और ऋषभ आए थे शॉप से आज काफ़ी लेट, तो अब हम लोग निकल रहे हैं, फिर बस खा पी कर ही आ जाएंगे। बाकी तो मॉल वगैरह कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो पाएगी, कुछ लेना था सामान बट अब काफ़ी लेट हो गया, तो बस हम लोग डिनर करके आएंगे, तब हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए, आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, जो कि आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है जो फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, वाइट लेगिंग के साथ। और बस अभी ऋषभ गए हैं कार लेने, ऋषान को लेकर के गए हैं, आते होंगे फिर हम लोग निकले। हेलो हेलो अम्मू, बैठे के तो आप थके के नहीं? अच्छा। सो गाइस, रास्ते में इतना अच्छा लग रहा था, हर जगह तिरंगा थीम पे सजा हुआ था, इतना प्यारा, मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है ना ऐसे देख के अपने इंडियन फ्लैग को। और आज जैसे 14 है और रात के टाइम पे ये लाइटिंग वगैरह सब जल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब खुशी भी होती है ऐसे देख करके, और जैसे नहीं गूज बम्प से आते हैं ऐसे पूरे रास्ते में। काफ़ी कुछ तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि रात में इतने अच्छे से मोबाइल से होता नहीं है, पर जितना भी हुआ मैंने कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग गए अपनी फेवरेट प्लेस महफिल, बट वो पूरा फुल था, वेटिंग लगी हुई थी, तो फिर हम लोग ने सोचा चलो कहीं और चलते हैं। देन फिर हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि कितना वेट करते वैसे ही बहुत लेट हो रहा था। और फिर हम लोग आ गए पंजाबी चाप कॉर्नर, तो ये हम लोग को वैसे भी ट्राई करना था, तो हम लोग सोचा चलो ठीक है आज ट्राई करते हैं। और खाना काफ़ी अच्छा था और मुझे यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा लगा, इनकी सर्विस, खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ नीचे इनका ट्विस्टिंग स्कूप करके, तो यहाँ पर ये ऐसे खेल करते हैं, बट हम लोग ने सोचा था खाने के बाद करेंगे, फिर बहुत लेट हो गया था, तो खाना खा करके फिर हम लोग चले गए थे, 11 बज गए थे हम लोग को।
इधर देखो। सो गाइस बस हम लोग का डिनर हो गया और इनका ये बिल देखे कैसे लेटर बॉक्स के अंदर आया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत लेट हो गया था। दैन नेक्स्ट डे 15th है, इंडिपेंडेंस डे, और ईशान का स्कूल भी है, तो बस हम लोग निकल गए घर के लिए। सो गाइज अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज प्रशांत के स्कूल में है इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन, तो बस उसके कपड़े निकाल दिए थे। आज उसको वाइट पहन के जाना है तो वाइट कुर्ता पजामा पहना है, और यहाँ मैं उसके चीक्स पे बना रही हूँ तिरंगा। बाकी जो रेस्ट बैंड वगैरह हैं वो मैं ले नहीं पाई थी, तो बस उसके चीक्स पे मैं दोनों साइड बना दूंगी तिरंगा, और वो रेडी है। फिर मैं स्कूल छोड़ने जाऊँगी उसको, क्योंकि हम लोग रात को कहते ना तो कार नीचे ही खड़ी है, वरना पार्किंग में होती है, उस पर लेने जाना पड़ता है, और मौसम भी हल्का बारिश वाला हो रहा था, तो बस इसको रेडी करके फिर हम लोग इसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। सो गाइज ये हुई थी रिशान के क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस, लोग ने सॉन्ग गाया था देश मेरे करके, तो बस ये छोटी सी क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये स्कूल से सेंड की थी मैम ने, तो मैंने इसमें आप लोगों के लिए ऐड कर दी है। और बस उसके बाद हम लोग तो आ गए थे घर, ये मैम ने ही सेंड करी थी, 2 घंटे का स्कूल था इन लोगों का। सो गाइज ये पिक्चर मैंने एडिट कर दी थी सारे बच्चों को ऐसे पगड़ी लगा के। सो गाइज मैं रिशान को छोड़ कर आ गई हूँ, और आज उसका 2 घंटे का ही स्कूल है, वही सेलिब्रेशन है 15th अगस्त का, तो लेने तो ऋषभ भी चले जाएंगे क्योंकि आज सब कुछ खुला है तो काफ़ी रश होगा, और मैं फटाफट से घर के काम करूंगी। और इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खुश रहें।